भाई ये किस्मत तो हम ही आप लिखते हैं, भगवान तो नहीं लिखता है, भगवान तो सिर्फ हमारे कर्मों का रिजल्ट लिखता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपना कर्म सुधार लेना चाहिए। सुदामा जी से गरीब संसार में कोई नहीं हो सकता महाराज, जिसको दो वक्त की पेट भर रोटी नहीं मिलती थी। सुदामा कितने बड़े गरीब थे, पर सुदामा गोविंद के अलावा कभी किसी का भजन नहीं करते थे, गोविंद को इतना मानते थे। सुदामा रातों दिन भीख मांगते थे, तो जो थोड़ा बहुत मिलता था तो किसी दिन ला करके अपने बच्चों को और बीबी को खिला देते थे। सुदामा घर में झूठ बोल देते थे कि मैं बाहर से खा के आया हूं और पानी पी के सो जाते। ये स्थिति थी सुदामा की। तो किसी दिन दोनों मियां बीबी बेचारे पानी पी के सो जाते थे, जो थोड़ा बहुत होता था तो सुदामा अपने बच्चों को खिला देते थे। लेकिन सुदामा को कभी भगवान से शिकायत नहीं थी। ये बात सोचने वाली है कि हमारे आपके ऊपर अगर थोड़ी सी भी कोई परेशानी आ जाए तो हम आप भगवान को दूषित ठहराने लगते हैं। भगवान तो है ही नहीं है, भगवान होते तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता। अरे होता क्यों नहीं भाई, भगवान थोड़ी कर रहे हैं, वो तो करने वाले हम ही आप हैं। तो सुदामा कितना दुख उठाए, लेकिन जीवन में उन्होंने कभी गोविंद की शिकायत नहीं किया, क्योंकि इस बात को सुदामा जानते थे। जो रामचरितमानस में लिखा है ना कि नाकू काहू कर दुख सुख कर दाता, तो निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। तो सुदामा भी ये बात जानते थे कि ये हमारे करनी का परिणाम है, और जब ये हमारी करनी के परिणाम कटेंगे तो हमारे जीवन में निश्चित है कि गोविंद मेरे मुझे सुख अवश्य दे। अरे भगवान कहते क्या है, रामायण में लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, तब मोह ही कपट छल क्षुद्र न भावा। भगवान का भजन ही कपट का क्या परिणाम निकला कि सुदामा का सारा जीवन भीख मांगते मांगते गुजर गया और सुदामा को कभी पेट भर भोजन नसीब नहीं हुआ। ये असत्य बोलने की बात, ये भगवान से सुदामा ने झूठ बोला। तो सुदामा इस बात को जानते थे, तो वो अपनी पत्नी को रोज बताया करते थे कि गोविंद मेरा मित्र है, मैं और गोविंद दोनों साथ में पढ़े हैं। तो पत्नी कहा करती थी कि अरे आप 24 घंटे भीख मांगते उसे हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए। आज स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार बधवार जी माननीय हमारे बहू जी, तो आप सारा जीवन इसी द्वारा कॉलेज में एक प्रोफेसर और वाइस प्रिंसिपल से रिटायर हुए, तो पत्नी हैं आपकी श्रीमती किरण बधवार जी, पुत्र वधु सुमित ऋतु अमित मोनिका, तो पौत्र पौत्री रियान सुप्रिंद सुकृति नंदिनी, और बड़े भाई साहब तिलोक चंद बधवार, आपसे छोटे बहू जी से श्री सुरेंद्र बधवार जी। पीछे बहू जी ने अच्छा भरा पूरा परिवार उनकी कृपा से किया। अरे माता पिता के आशीर्वाद से बढ़कर के जगत में कुछ नहीं होता है, तो माँ बाप का आशीर्वाद मिले इससे अच्छा क्या है। तो और ये जाना तो है, ये सबको जाना है, इसमें कोई दूरा नहीं। तो आइए
दो मिनट हम भजन करते हैं, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि बाबू जी की अंतरात्मा श्री हरि शरण में वास हो, तो उनके पीछे उनके परिवार को परमात्मा वो शक्ति प्रदान करे जो इस दुख से वो उबर सके, और उनकी कमी तो सारा जीवन इस समाज को खलती रहेगी, परिवार को तो फलेगी समाज को भी खलती रहेगी। माननीय प्रोफेसर आर के भरवाल जी, जैसे कि पंडित जी भी बात कर रहे थे, उनका सारा जीवन जो है वो अपने विद्यार्थियों और अपने समाज के लिए समर्पित रहा है। भरवाल साहब ना केवल द्वापर कॉलेज में जूलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष, बहुत ही बेहतरीन टीचर, उत्तम इंसान, और सबसे बड़ी बात उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी कुछ वर्षों तक द्वापर कॉलेज के लिए, संस्था के लिए शाम के 7, 8, 9, 10 बजे तक हमें उन्हें काम करते हुए हमने सभी देखा है। जितनी उनमें हमने देखी शायद ही किसी और इंसान में ऐसी इतनी जो है तन्मयता के साथ काम करने की ललक हो जो उनमें हमने देखी। तो मैं अब बताना चाहूँगा माननीय प्रिंसिपल डॉक्टर नरेश कुमार धीमान जी कि वो मंच पर आए और श्रद्धा से मन आदेश प्राप्त हुआ आर्य शिक्षा मंडल की ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि और परिवार के साथ हार्दिक संवेदना। और मैं समझता हूँ कि उस महान व्यक्तित्व का जो एक कर्मठता का एक मौन संदेश है वो हम सब तक पहुँचे, और हम जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और समाज को सही दिशा में लेकर के जाएं। और जो परमेश्वर ने हमें यह मनुष्य जीवन दिया है इसको हम सार्थक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं परिवार की तरफ से एक आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्रसाद की व्यवस्था है तो बहू जी को जो भी है आज आप सभी अंतिम श्रद्धा सुमन दें। जिसको प्रणाम करते थे सब, तो मार्कंडेय ऋषि अपने खेतों में थे, उन्होंने दूर से देखा कि वो दो बूढ़ी बूढ़ा जा रहे हैं, तो वो भागे और वहां पर आगे भोलेनाथ थे, पीछे माँ जगदम्बा थी, तो भोलेनाथ के चरणों में ही मार्कंडेय ऋषि लेट गए कि न प्रणाम दंड की नाई गिर पड़े। तो भगवान शिव ने उठाया और उन्हें आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव।
यानी जुग जुग जियो। तो पीछे मां थी जगदम्बा, उसने कहा भोलेनाथ आप ये क्या कर रहे हो, इसकी तो अभी एक महीने बाद मृत्यु लिखी है, तो आप इसको आशीर्वाद दे रहे हो चिरंजीवी भव। तो भगवान शिव ने कहा कि अब जब आशीर्वाद दे ही दिया तो दे दिया। तो महाराज हमारी संस्कृति, हमारे विचार, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र हमें इतना सुंदर उपदेश दे दो। अब उनके जीवन में इस तरीके की कठिनाई आई, ये एक प्रारब्ध की गणना है, आज का कुछ नहीं, तो आगे का उन्होंने तो सब कुछ सब। अरे भाई ये किस्मत तो हम ही आप लिखते हैं, भगवान तो नहीं लिखता है, भगवान तो सिर्फ हमारे कर्मों का रिजल्ट लिखता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपना कर्म सुधार लेना चाहिए। सुदामा जी से गरीब संसार में कोई नहीं हो सकता महाराज, जिसको दो वक्त की पेट भर रोटी नहीं मिलती थी। सुदामा कितने बड़े गरीब थे, पर सुदामा गोविंद के अलावा कभी किसी का भजन नहीं करते थे, गोविंद को इतना मानते थे। सुदामा रातों दिन भीख मांगते थे, तो जो थोड़ा बहुत मिलता था तो किसी दिन ला करके अपने बच्चों को और बीबी को खिला देते थे। सुदामा घर में झूठ बोल देते थे कि मैं बाहर से खा के आया हूं और पानी पी के सो जाते। ये स्थिति थी सुदामा की। तो किसी दिन दोनों मियां बीबी बेचारे पानी पी के सो जाते थे, जो थोड़ा बहुत होता था तो सुदामा अपने बच्चों को खिला देते थे। लेकिन सुदामा को कभी भगवान से शिकायत नहीं थी। ये बात सोचने वाली है कि हमारे आपके ऊपर अगर थोड़ी सी भी कोई परेशानी आ जाए तो हम आप भगवान को दोषी ठहराने लगते हैं। भगवान तो है ही नहीं है, भगवान होते तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता। अरे होता क्यों नहीं भाई, भगवान थोड़ी कर रहे हैं, वो तो करने वाले हम ही आप हैं। तो सुदामा कितना दुख उठाए लेकिन जीवन में उन्होंने कभी गोविंद की शिकायत नहीं किया, क्योंकि इस बात को सुदामा जानते थे। जो रामचरितमानस में लिखा है ना कि नाको काहू कर दुख सुख कर दाता, तो निज कृति करम भोग सब भ्राता। तो सुदामा भी ये बात जानते थे कि ये हमारे करनी का परिणाम है, और जब ये हमारी करनी के परिणाम कटेंगे तो हमारे जीवन में निश्चित है कि गोविंद मेरे मुझे सुख अवश्य दे। अरे भगवान कहते क्या है, रामायण में लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तब मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान का भजन कपट से नहीं करना चाहिए, छल से नहीं करना चाहिए, भगवान से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई परमात्मा के सामने आप जाके अपने गुनाहों को कबूल कर लो, माफी मांग लो, तो भगवान रामायण में लिखा है कि शरण गए प्रभु राखी है सब अपराध विसा। तो आप चाहे जितना गलत से गलत कर्म करके आए हो, अगर भगवान के सामने जाकर के अपने गुनाहों की माफी मांग लो तो ये निश्चित है परमात्मा माफ करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। भाई सुदामा ने गोविंद से झूठ बोला, सुदामा को पता था कि ये मैं अपने कर्मों की गति को भोग रहा हूं। सुदामा ने गोविंद से झूठ बोला था। क्या झूठ बोला था? संदीपन मुनि के आश्रम में भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों साथ ही पढ़ते थे, तो गुरु माता ने खाने के लिए चने दिया था, तो गोविंद और सुदामा दोनों जंगल में लकड़ी काटने गए थे, तो उन्होंने गुरु माता ने चना दिया और बोला सुदामा तुम भी और गोविंद दोनों आधा आधा खा लेना। तो गोविंद सुदामा वो चने तो लेके गए, लेकिन
भगवान को नहीं बताया, गोविंद को नहीं बताया, तो गोविंद को उन्होंने कहा कि पेड़ में चढ़ करके ऊपर से लकड़ियां तोड़ो तो मैं नीचे इकट्ठा करूंगा। तो सुदामा पेड़ के नीचे बैठ करके चना चाट रहे थे और गोविंद ऊपर पेड़ में चढ़े हुए थे, लकड़ियां तोड़ तोड़ के गिरा रहे थे। तो सुदामा के दांत बज रहे थे, तो गोविंद ने पूछा सुदामा क्या खा रहे हो? तो सुदामा ने झूठ बोल दिया, कुछ नहीं गोविंद, कुछ नहीं खा रहा हूं। तो गोविंद ने कहा नहीं कुछ ना कुछ तो खा रहे, तुम्हारे दांत बज रहे हैं। तो सुदामा ने कहा कि ठंड से दांत बज रहे हैं। अरे भाई जून के महीने में ठंड लगती है। तो गोविंद से सुदामा ने एक छोटा सा ये असत्य बोला, झूठ बोला। भगवान से कभी चोरी नहीं रखना चाहिए भाई, ये हम आप कहते हैं ना कि देख कौन रहा है, करते रहो जो कर रहे हो। हाँ ठीक है भाई, कोई देख तो नहीं रहा है, पर ऊपर वाले से बच भी नहीं सकते, वो तो अवश्य देख रहा है। तो गोविंद ने चार चने खाए होंगे और भगवान से असत्य बोला, झूठ बोला। तो उस झूठ का क्या परिणाम निकला कि सुदामा का सारा जीवन भीख मांगते मांगते गुजर गया और सुदामा को कभी पेट भर भोजन नसीब नहीं हुआ, ये असत्य बोलने की बात। ये भगवान से सुदामा ने झूठ बोला। तो सुदामा इस बात को जानते थे, तो वो अपनी पत्नी को रोज बताया करते थे कि गोविंद मेरा मित्र है, मैं और गोविंद दोनों साथ में पढ़े हैं। तो पत्नी कहा करती थी कि अरे आप 24 घंटे भीख मांगते हो, पेट भर कभी भोजन नहीं मिला, तो उस गोविंद से ही जाके क्यों नहीं मांगते, वो तो जगत का निहंता है, जगत को देने वाला, तो वो इतना दे देंगे कि आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सुदामा कहते थे शिक्षक हो सिगरे जग को दिए ताको कहां देत है शिक्षा, शिक्षक हो सिगरे जग को दिए ताको कहां देत है शिक्षा, तजे तप कर परलोक सुधारत संपत्ति के तिनके नहीं इच्छा, तो औरों को धन चाहिए बाबर बांगत को धन केवल भिक्षा। अरे पगली, शिक्षक हो सिगरे जग को ताक कहां देते हैं शिक्षा, अरे मैं तो सारे संसार का शिक्षा हूं, सबको शिक्षा देता हूं और तू मुझे ही शिक्षा देती है। शिक्षक हो सिगरे जग को ताक कहां देते हैं शिक्षा, तो जे तप कर परलोक सुधारत संपत्ति के तिनके नहीं इच्छा। अरे मैं तो ये तपस्या करके अपना परलोक सुधार रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए संपत्ति। सुदामा अपनी पत्नी को कहते थे, तो औरों को धन चाहिए बाबर बामन को धन केवल बिचारे, मैं तो खुद स्वयं जात का बामन हूं, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ भीख चाहिए वो मिल रही है, जो गोविंद की कृपा से मिल जाता है उसी में जीवन यापन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है भाई, मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, तो अगर ये मिला है तो इसका जरूर सदुपयोग करो। तो आज के जीव को समय नहीं है दो पल सत्संग सुनने के लिए, चलो सुने ना सुने वो ठीक है, कम से कम उन ग्रंथों को एक ही पेज रोज पढ़ो तो भी जीवन धन धन हो जाएगा, तो वो भी नहीं कर सकते। सुबह उठेंगे तो अभी वो तुम्हारा हिसाब मिलेगा कि मैंने तुम्हें भेजा था, तुमने ये दस्तक करके आए, एफिडेविट आपने स्वयं लिख के आए हो कि वहां जाकर के मैं सत्कर्म करूंगा, सत्कर्म के अलावा कुछ नहीं करूंगा, तो जब वो यहाँ से हम वापस जाएंगे तब वो जरूर मुझसे पूछेगा कि आपको इतने दिन गए थे ये लिख के गए हो तो क्या करके आए। भाई ये मनुष्य ऐसे नहीं परमात्मा बनाया, भगवान ने जब तुम्हें पाप लगेगा, मनसा वाचा और वचन किसी को बोलते हो गलत तो उसका प्रायश्चित लगेगा ही, कर्मा हाथों पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभवा,
मैं पापी हूँ, मेरी आत्मा ने बताया था इमाम पुंडरी का चाहे सर्व पाप हरु हरि भगवान के शरण में जाके दंडवत प्रणाम करो तो भगवान से माफी मांगो, प्रभु मेरे गुनाह माफ कर दो, तू जरूर माफ कर। तो ये है मनुष्य का जीवन, ये सांसारिक ये भौतिक सुखों को तो जोड़ते जोड़ते पता नहीं कितने चले गए, ये सुख कहीं लेके गए कोई, बोलो इस सुख को तो यहां से कोई लेके नहीं गया, तो जाएगा क्या? सिर्फ आपके अच्छे बुरे कर्म ही साथ में जाते हैं। तो वो भी अगर हम आप अपना नहीं सुधार सकते तो क्यों ना हम अच्छे कर्म कर लें? इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है भाई, सदा के लिए सोचो कि हम तो सब दिन के लिए अमर हो के आए हैं, तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है ना कभी होने वाला है। मनुष्य का यही परम कर्तव्य है, मृत्यु से तो कोई बचे ही नहीं, अरे मृत्यु से अगर कोई बचा हुए तो जब हम जानते हैं कि मौत तो हमारे सिर पर ही बैठी है तो हम कुछ न कुछ सत्कर्म जरूर संचित करें, यही पूंजी है भाई, सबसे बड़ी पूंजी यही है। अच्छे संस्कार मिलेंगे उससे बड़ी दौलत कुछ नहीं, ये भौतिक सुखों को जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, तो अगर बच्चों के संस्कार सुधर जाए तो सब कुछ बन जाएगा, तो अगर वो संस्कार बिगड़ गए तो चाहे दुनिया की संपदा जोड़ लो भाई, तुम्हारे नजरों के सामने वो तुम्हारी संपदा में। आज के मनुष्य की ये आदत है कि संपदा जोड़ लो चाहे देना, तभी वो रामचरितमानस बार बार कहते हैं ना कि ना पाऊ पाहू कर दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो ये जरूरी है कि हम तो आदत होती है ज्यादा बोलने की, बोलते ही हैं, तो उनके एक ही औलाद थी वो भी पढ़ी लिखी थी, तो बेटे की शादी हो गई बहू घर, तो बेटा तो काम पर चला जाता था बहू घर में रहे, तो वो बुजुर्ग बहू को लोटा ले आओ पानी ले आओ ये करो वो करो इसको उठा के वहां रखो उसको वहां रखो सारा दिन बोलते थे। तो ऐसे तो हम मरेंगे नहीं, और जब तक हम मरेंगे नहीं तो तुम्हारे घर का ये कलेश मुकने वाला नहीं, तो तुम एक काम। तो उस बुजुर्ग ने बहुत समझाया, जब उसने बहुत समझाया तब वो मानने को तैयार हो गया, मान गया। तो एक दिन जब इतने पानी में पहुंचा, घोड़े के ऊपर पानी था तो वहां फेंकने लगा, तो उस बुजुर्ग ने कहा कि भाई यहाँ मत फेंक, थोड़ा सा और आगे फेंक मुझे। तो उस बच्चे ने कहा तेरे इसी टोपा टापी के कारण घर में कलेश होता था, तो तू अब मरने आया है तो यहाँ भी टोका टाकी कर रहा है, वहां मरना है तो यही मर जा। तो उस बुजुर्ग ने कहा नहीं थोड़ा आगे थे, तो उस बेटे ने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि मैंने इतने पानी में अपने बाप को फेंका था, तो तू मुझे थोड़ा सा आगे फेंक ताकि तेरी औलाद तुझे और आगे फेंके। भैया ये तो इधर से दोगे तो इधर मिलेगा, ये तो संसार का विधान है भाई, औलाद इकट्ठा कर ले। हाँ ये है कि उसे संस्कार अच्छे दो, वो कहते हैं ना जैसे खाए वैसा हो मन, तो जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करना चाहिए व्यक्ति को कि हम अपनी औलाद के संस्कार अच्छे सुधारें। तो हमारे बहू जी तो इस जगत में नहीं रहे, लेकिन श्री राजेंद्र कुमार बधवार जी वो इस जगत में तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को तो शिक्षा अच्छी दी ही थी, साथ में जगत को शिक्षा दिया। शिक्षक का काम है क्या भाई?
और शिक्षक से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता है। एक बात ये नोट कीजिए यार कि हम आप कहते हैं ना वो फलाने आश्रम में चलो तो गुरु मंत्र ले लो तो गुरु भगवान बन गए, वो काहे के भगवान बन गए भाई। सीधी सीधी सी बात है, शिक्षक आपको समाज के हर कदम में चलने की बुद्धि बताता, पद पद शिक्षा। वो शिक्षक अपने को गर्व महसूस करता है, शिक्षक अपने आप को गर्व महसूस करता है कि हमारा पढ़ाया हुआ शिष्य आज जगत में इतने बड़े पद पर बैठा हुआ है, इस देश में इतने बड़े पद पर बैठा हुआ है, इस समाज के लिए इतना सुंदर काम कर रहा है, तो उसका सीना महाराज चौड़ा हो जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है। वो कहता है मैंने शिक्षा दी। ये कर्म है, ये मनुष्य है, ये ही भजन है भाई। और वो भजन नहीं है कि हम माला खटर खटर सारा दिन करे तो भजन कहले, अरे क्या करे। रामचरित मानस जी नहीं बताते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी तो आधी में कुछ आध तुलसी संगत साधु की कटे कोटे अपराध। तुलसी संगत साधु की सज्जन की संगति तो आपको अगर एक पल भी मिल जाए तो कटे कोटे अपराध, करोड़ों पाप कट जाते हैं हमारा। पर ये वक्त निकालना पड़ता है, समय देना पड़ता है। तो आज के जीव को ये नहीं, वो तो सिर्फ ये देखता है कि हम ये इतने भौतिक सुखों को इकट्ठा कर लिए, संचित कर लिए, तो हमारा मनुष्य जीवन धन्य हो गया। उसको ये पता नहीं है कि एक दिन मुझे उसकी दरबार में भी जाना है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो पुण्यात्मा होता है, जो जीवन में पुण्य कमाता है, तो उसको भगवान के पार्षद लेके जाते हैं। तो जो पापात्मा है तो वो चोर की तरह धर्मराज की सभा में पीछे दुबुक के बैठा रहता है, तो वो डरता रहता है भाई उसने सत्कर्म नहीं संचित किया है, उसने पुण्य कर्म नहीं इकट्ठा किया है। पर वो देते उतना ही है जितना हमारे आपके द्वारा संचित किया गया पुण्य का परिणाम भाई। अगर बैंक में बैलेंस होगा तो ही चेक आपका क्लियर होगा, तो अगर बैलेंस ही नहीं होगा तो क्या होगा। आज यहाँ सभी इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान, राजनीति, धार्मिक, सभी शक्तियां मौजूद है। भाव जी को अंतिम विदाई देने आए। तो ये जीवन भी एक चेक की तरह, देखिए जब बच्चा संतान पैदा होती है तो वो मां के गर्भ से एक कोरा कागज आता है, उसमें कुछ नहीं लिखा होता ना उसको कोई ज्ञान होता है, वो तो बिल्कुल पूरा सफेद कागज होता है। तो लिखता कौन है, माता पिता, ये समाज, हम आप सभी मिलकर उसमें लिखते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं, ऐसा करना सिखाते हैं, तो फिर वो वैसे ही चलता है, वैसे ही बोलता है, वैसे ही करता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि माता पिता को ये जरूरी नहीं होता है कि जब हम भौतिक या सांसारिक सुख इकट्ठा करेंगे तो ही हम मनुष्य होने का मतलब अर्थ निकलेगा। तो अगर अपनी औलाद को अच्छे संस्कार देंगे तो महाराज वो तो तरेंगे ही तरेंगे, साथ में वो पिता भी वैभागी होता है, वो भी वैकुंठ का कामी होता है। पुत्र शब्द का अर्थ होता है जो पुत्र नामक नरक से तार पासे है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए, आज स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार बधवार जी माननीय
हमारी बहू जी, तो आपने सारा जीवन इसी द्वाबा कॉलेज में एक प्रोफेसर और वाइस प्रिंसिपल से रिटायर हुए, तो पत्नी हैं आपकी श्रीमती किरण बधवार जी, पुत्र वधु सुमित ऋतु अमित मोनिका, तो पौत्र पौत्री रियान सुप्रिंद सुप्रीति नंदिनी, और बड़े भाई साहब तिलोक चंद बधवार, आपसे छोटे भाऊ जी से श्री सुरेंद्र बधवार जी, पीछे भाऊ जी ने अच्छा भरा पूरा परिवार उनकी कृपा से किया। अरे माता पिता के आशीर्वाद से बढ़कर के जगत में कुछ नहीं होता है, तो माँ बाप का आशीर्वाद मिले इससे अच्छा क्या है। तो और ये जाना तो है, ये सबको जाना है, इसमें कोई दूरा नहीं। तो आइए दो मिनट हम भजन करते हैं, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि बाबू जी की अंतरात्मा श्री हरि शरण में वास हो। तो उनके पीछे उनके परिवार को परमात्मा वो शक्ति प्रदान करे जो इस दुख से वो उबर सके, और उनकी कमी तो सारा जीवन इस समाज को खलती रहेगी, परिवार को तो खलेगी समाज को भी खलती रहेगी। मैं तो जब सुना कि सारा जीवन बाबू जी ने शिक्षा में ही व्यतीत किया, बड़ा अच्छा कि एक शिक्षक है वो अपनी ही औलाद को औलाद नहीं मानता, वो जिसको भी शिक्षा देता है सभी उसकी औलाद, वो ये नहीं सोचता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दूं इसको क्यों दे रहा हूं, नहीं तो ये आगे बढ़ जाएगा मेरे बच्चे से, ऐसा उसके मन में नहीं होता। वो बल्कि अपने बच्चे को शिक्षा इतनी अच्छी नहीं दे पाता है जितनी अच्छी दूसरे को देता, तो वो उसमें गर्व महसूस होता है उसे, इतना अच्छा जीवन था। कितने डॉक्टर बने हुए इनके लिए तो कोई महाराज तपस्या की जरूरत ही नहीं, अर्पित कर रहे हैं सभी जालंधर व विभिन्न जगहों से उनके सगे संबंधी मित्र बंधु और उनसे दिल से जुड़े हुए सभी महानुभवों, माननीय प्रोफेसर आर के बधवार जी, जैसे कि पंडित जी भी बात कर रहे थे, उनका सारा जीवन जो है वो अपने विद्यार्थियों और अपने समाज के लिए समर्पित रहा है। बधवार साहब ना केवल द्वाबा कॉलेज में जूलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष, बहुत ही बेहतरीन टीचर, उत्तम इंसान, और सबसे बड़ी बात उन्होंने रिटायरमेंट तक, रिटायरमेंट के बाद भी कुछ वर्षों तक द्वाबा कॉलेज के लिए, संस्था के लिए शाम के 7, 8, 9, 10 बजे तक हमें उन्हें काम करते हुए हमने सभी देखा है, उनसे सभी ये जो गुण है अपनाने की कोशिश की है, विभिन्न प्राध्यापकों में हम लोग भी शामिल हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया। बधवार साहब विभाग अध्यक्ष के साथ साथ द्वाबा कॉलेज के डीन एडमिशन, रजिस्ट्रार, टाइम टेबल इंचार्ज, ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल, और जब हमारे अपने प्रिंसिपल साहिबान कभी किसी कार्यवर्ष जब कॉलेज से बाहर जाते तो वो कॉलेज को सुचारू ढंग से चलाने में दिन रात जो है अपना योगदान देते रहे। बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कहें कि उनका इंस्पिरेशन सभी विद्यार्थियों के लिए और जो प्राध्यापक उनके लिए हमेशा रहा, उनके पढ़ाए हुए बच्चों में, विद्यार्थियों में, जैसे कि अभी हम सुन रहे थे कि शिक्षक के लिए अपनी औलाद के अलावा जो बाकी विद्यार्थी होते हैं वो भी अपनी औलाद से ज़्यादा प्यारी होती है, तो उनके पढ़ाए बच्चों में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS,
नामवर डिफरेंट पोस्टों पे उन्होंने बिल्कुल ही सेल्फलेस तरीके के साथ शिक्षा का जो है प्रसार किया, अपने गुणों का प्रसार किया, और अंतिम समय तक भी उनकी जो है मन में कॉलेज की बेहतरी, समाज की बेहतरी और अपने विद्यार्थियों की बेहतरी का ही ख्याल रहा। तो ऐसी पुण्य आत्मा के आगे हमारा जो मन है वो भर जाता और झुकता है हमारा सर उनके कदमों में, कि वो हमारे लिए पिता समान थे, हम जैसे नौजवान जो वहाँ पढ़ा रहे हैं अभी भी उनको प्रति हम नतमस्तक हैं। उनका जो है हमारे बीच से चले जाना, जिसे हम कहें कि ये मोमेंटरी है, हमारी आत्माओं में, हमारे गुणों में, हमारे सदाचारों में वो बसे हुए हैं, जो उनकी वो कर्मठता की जो खुशबू है हम सब आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे कि हम फैलाते रहें, और वही जो उन्होंने एक सेफ एक डायरेक्शन दी है उसके तहत हम चलने की सब कोशिश करेंगे। शोक संदेशों में द्वापर कॉलेज के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की तरफ से भरद्वाज जी के लिए जो है शोक संदेश और नमन हमारे पास पहुंचा है। द्वापर कॉलेज के PCCTU यूनिट की तरफ से भी हमें जो है शोक संदेश प्राप्त हुआ है। माननीय श्री गुलशन शर्मा जी प्रेसिडेंट जलंधर RN स्क्रैप मर्चेंट एसोसिएशन जालंधर, उनकी तरफ से भी शोक संदेश पहुंचा है। डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग एसोसिएशन जालंधर से कैप्टन अजीत सिंह जी, हरीश कालिया जी, सुनील ज्योति जी और सुशील कोहली जी, इनकी तरफ से भी जो है शोक संदेश पहुंचा है। एक ऐसी पुण्य आत्मा के लिए जिसके लिए आज हम सब यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और ऐसी पुण्य आत्मा के लिए अपने मन से, अपने दिल से जो है उनके लिए हम अपना सिर झुकाते हैं कि इतने महान पुण्य आत्मा के साथ हमें काम करने का मौका मिला, चाहे वो शिक्षण संस्थान है, चाहे वो जालंधर शहर की विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़े रहे। बरदार साहब बहुत ही बढ़िया बैडमिंटन के प्लेयर भी रहे, और जितनी फिजिकल फिटनेस कहिए या उनमें कर्मठता कहिए या काम करने की, कार्य करने की शक्ति और इच्छा शक्ति कहिए, जितनी उनमें हमने देखी शायद ही किसी और इंसान में ऐसी इतनी जो है तन्मयता के साथ काम करने की ललक हो जो उनमें हमने देखी। तो मैं अब बुलाना चाहूँगा माननीय प्रिंसिपल डॉक्टर नरेश कुमार धीमान जी कि वो मंच पर आए और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। प्रिंसिपल द्वापर कॉलेज जलंधर, प्रिंसिपल डॉक्टर नरेश कुमार जी। प्रोफेसर आर के बथवा, जितने भी आज इस अंतिम शोक सभा में सम्मिलित होने के लिए उपस्थित, सज्जन हम सबके लिए नाम अपरिचित है। प्रोफेसर आर के बथवा बहुत ही विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी थे, और उनका पूरा जीवन कर्मठता से भरा था। यदि सही अर्थों में देखें तो भले ही वह आम व्यक्ति की तरह, एक साधारण व्यक्ति की तरह गीता का रोज पाठ न करते हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि मनुष्य तेरी सीमाएं केवल कर्म करने तक हैं, फल पर नहीं, वो तो उसका स्वाभाविक परिणाम है। यह प्रोफेसर बथवार के जीवन में पूरी तरह चरितार्थ था। व्यक्ति जब दुनिया में काम करता है उसके काम करने के कई तरीके होते हैं, उनकी अपनी अपनी कैटेगरी होती है। एक व्यक्ति वह है जो कि ड्यूटी मिल जाने के बाद काम ही नहीं करता और वह अकर्मण्य हो जाता है, उनसी की करना बस, जिथे पहुंचना सी पहुंच गए, यही तो सीट मिलनी सी, और उसके बाद जो है वो एक तरह से कोई पूर्वजन्म की पेंशन ले रहे होते हैं, आगे के लिए वो कुछ नहीं कमा रहे होते। ऐसे लोग समाज को न कोई सही दिशा देते हैं और न वह समाज में कुछ सम्मान पा पाते हैं, और जो उनके नीचे आने वाली नई पीढ़ी है
उसके लिए भी वो आदर्श नहीं बन पाते, न कोई आदर्श को स्थापित कर पाते। दूसरी कोटि के वो लोग होते हैं जो काम तो करते हैं लेकिन काम करने के साथ साथ में वो एक अपना और उद्देश्य बना लेते हैं कि इस काम के प्रतिफल में मुझे बेतहा इज्जत और मान जरूर मिलती रहे, और इसके लिए वो काम करते करते, क्योंकि एक तरह से वो नंबर गेम खेल रहे होते, काम नहीं कर रहे होते, क्योंकि इज्जत मान बढ़ाना है, तो काम अगर कोई और भी कर रहा होगा तो जहां रिपोर्ट करनी है तो उसके काम को भी वो अपना काम साबित करेंगे, और अपने काम से भी ज्यादा दूसरे के काम की जहां तक हो सकती है वो निंदा करने की कोशिश करें, तो वो तो काम करते ही नहीं, वो सब निटल ले। प्रोफेसर बदवार उन लोगों में नहीं थे, प्रोफेसर बदवार उन लोगों में से थे तीसरी कोटि के और बड़ी उत्तम कोटि के लोग होते हैं कि जो अपने काम को अपना कर्तव्य समझ करके, अपनी ड्यूटी समझ करके करते। मैंने उन्हें बाबा कॉलेज में पढ़ाने के अलावा रजिस्ट्रार के रूप में देखा, और एडमिशन के इंचार्ज के रूप में देखा, ये लगे रहे। उनकी टीम का कोई सदस्य आए ना आए लेकिन उन्होंने कभी भी ये सारा काम मैंने किया ऐसा प्रदर्शित कभी नहीं करते, बल्कि अगर कहीं बात कहने की आई तो जो उनकी टीम में लोग खड़े हुए हैं वो कहते हैं कि सारा काम तो यह करते, मैं तो कुछ भी नहीं करता, हमें पता था कि काम सारा यह करते। हमने एक बार उनसे पूछ लिया कि आप ऐसा क्यों करते, कहने लगे भाई क्या कर रहा है, काम तो चल रहा है ना, हो सकता है कि मेरा ऐसा कहने से ये आज नहीं कल काम करना शुरू कर दे, ये बहुत बड़ी, ये एक बहुत बड़ी बात थी कि वे दूसरे को प्रेरित करने के लिए जो काम उन्होंने नहीं किया अपने काम का श्रेय भी दूसरे को दे रहे हैं, दूसरी ओर वे लोग जो दूसरे काम का श्रेय भी खुद ले रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। एक व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ करके संस्था के लिए काम कर रहा है और दूसरा व्यक्ति बाहर दिखाने के लिए संस्था के लिए काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति केवल अपने लिए काम कर रहा होता, क्योंकि वो सेंटर में खुद ही है, उसके लिए समाज नहीं है, और ऐसे व्यक्ति समाज को कभी भी कोई सही दिशा निर्देश नहीं दे सकते, वो केवल ढिंडोरा पीट सकते हैं, बहुत बजा सकते हैं, बजाने लगे। लेकिन एक समय ऐसा जरूर आता जब पटाक्षेप होता है, पर्दा गिरता है, सच्चाई सामने आती है, और तब पता लगता है कि नहीं ये तो काम नहीं था, ये तो काम का ड्रामा था। तो प्रोफेसर बदवार उनके साथ हमने काम किया। मुझे याद है जब मैंने शुरू शुरू में प्रिंसिपल के ओहदे पर काम करना शुरू किया तो बहुत सारे उस चेयर के ऐसे उत्तरदायित्व थे जिनका मेरा कोई परिचय नहीं था। प्रोफेसर बदवार ने मुझे उसमें पूरा सहयोग किया, और सहयोग करने के साथ साथ में मुझे ये कहते हुए बड़ा गौरव होता है कि उस व्यक्ति ने ऑफिस से बाहर आकर के कभी भी दूसरों के सामने खड़े होकर के ये नहीं किया कि मैं आज ऑफिस में ये काम करके आया, नहीं तो वो भी लोग हैं जो ऑफिस में आकर के काम नहीं करते लेकिन बाहर जाकर के जरूर ढिंढोरा पीटेंगे मैं ये काम कर गया। जो व्यक्ति काम करता है उसका लोगों को भी पता होता है, काम अपनी सुगंध अपने आप, जिस व्यवहार से मुझे अंदर ये फीलिंग होती हो कि ये मुझसे बड़े, हमेशा उन्होंने सामने वाले को सम्मान देने, हमेशा अधिक से अधिक, मैंने बहुत कम परिस्थितियों में उनको उग्र होते रहे।
सामान्यता बहुत शांत रहते थे, क्योंकि जो काम करने वाला व्यक्ति है वह प्रायः शांत ही रहता है, उसमें उग्रता और आवेश नहीं आता, क्योंकि वह उस काम की महत्ता से, काम की सुगंध से अंदर इतना सकारात्मक रूप से भरा हुआ होता है कि उसके नेगेटिविटी के लिए उसमें जगह ही नहीं होती। और जो नेगेटिविटी है वही हमारा आक्रोश बन करके हमारे सामने आती है, और उसी के कारण, और वो नेगेटिविटी क्या है, वो आक्रोश क्या है, वह आक्रोश वास्तव में हमारी ही असफलताओं का इकट्ठा हुआ रूप है। जो हम दूसरों के सामने जब खड़े होते हैं तो वह फूट पड़ता है, आक्रोश के रूप में फूटता है और हम आग बबूला होते हैं। इसीलिए आप जीवन में देखेंगे कि जिन लोगों के जीवन में शांति है, जो लोग दूसरों से मीठा व्यवहार करते हैं, आक्रोश में नहीं आते हैं, उसके पीछे जो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कारण है, और मनोवैज्ञानिक नहीं, इसके जो केमिकल अंदर क्रोध के कारण जो पैदा होते हैं वो वहां केमिकल बनते ही नहीं, जो सच्चाई है। और इसीलिए वो जीवन में शांत बने रहते हैं, और जब व्यक्ति शांतिपूर्वक काम करता है तो उसके काम की क्वालिटी भी और होती है, क्योंकि वो अपने लिए काम नहीं कर रहा, वो केवल काम के लिए काम कर रहा, अपना कर्तव्य समझ करके काम कर रहा है। इसलिए उसके काम में जो पूर्णता होगी वह ऐसे व्यक्ति में नहीं हो सकती है जो केवल अपने लिए काम कर। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ, अपनी ओर से, बाबा कॉलेज की ओर से, पूरे स्टाफ की ओर से, और जैसा मुझे हमारे माननीय प्रधान जी और महामंत्री जी का संदेश प्राप्त हुआ, आर्य शिक्षा मंडल की ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि और परिवार के साथ हार्दिक संवेदना। और मैं समझता हूँ कि उस महान व्यक्तित्व का जो एक कर्मठता का एक मौन संदेश है वो हम सब तक पहुँचे, और हम जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और समाज को सही दिशा में लेकर के जाएं। और जो परमेश्वर ने हमें यह मनुष्य जीवन दिया है इसको हम सार्थक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम, जय रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। शांति शांति सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। हाँ, मैं परिवार की तरफ से एक आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्रसाद की व्यवस्था है तो बाबूजी को जो भी आज आप सभी अंतिम श्रद्धा सुमन देने के लिए आए हैं तो वो जाता मनी जा
Thank you.